Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है स्तारा मिस्लेविका जितना. सो गाइस, बहुत ही अजीब सा नाम है और वो इसलिए है क्योंकि ये चेक रिपब्लिक की विस्की है. आई एम श्योर मैंने मतलब मर्डर कर दिया है इसके नाम का. मुझे प्रोनंसिएशन एग्जैक्टली नहीं आता इसके नाम का, बट आई गॉट दिस विस्की इन गुड़गांव फॉर 850 रुपीज़ एंड दिस इज़ अ 700 ml बॉटल. सो गाइस, चलिए करते हैं इसका रिव्यू और बताता हूँ मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा. सो दिस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश बैक इन 1518 एंड 500 साल से भी ऊपर का इनके पास हिस्ट्री है इन मेकिंग दिस विस्की. दिस इज़ बॉटल्ड एट 38% ABV. तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस विस्की के बारे में और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा. सो दिस डिस्टिलरी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय याकूब वोयासेक एंड लुइस एकलमैन हु वॉज अ स्कॉट. सो लुइस वॉज अ हंटर एंड बोथ ऑफ देम प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस टू दिस विस्की. याकूब एक्चुअली मेड और डिस्टिल्ड दी विस्की इन मॉडर्न मेथड्स एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड लुइस हैड द एक्सपीरियंस बिकॉज ही वॉज अ हंटर, ही वॉज अ वेल ट्रैवल्ड मैन. तो ही ट्रैवल्ड टू स्कॉटलैंड एज वेल एंड सो ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द विस्की. सो ही स्टार्टेड मैच्योरिंग द विस्की इन ओक बैरल्स. तो मैं आपको इस विस्की के नाम का मतलब बता दूँ ज़रा. स्टारा मिस्लेविका का मतलब है ओल्ड हंटर्स एंड जितना मीन्स राय. तो ये एक राय विस्की है. सो दिस कंटेन्स राय एज वेल एज फ्रूट मैसरेट. तो चलिए ये तो हो गया विस्की के बारे में. दैट्स प्रिटी मच अबाउट द विस्की. 500 साल पुरानी विस्की है तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा होगा इस विस्की में, आई एम श्योर. और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंज्यूम कर चुका हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी है. बट देन अगेन आई विल रिव्यू इट सो दैट यू गाइस आल्सो नो व्हाट इज़ इट अबाउट दिस विस्की. तो चलिए लेट्स गो अहेड एंड पोर इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर. चलिए वाइल मैं पोर कर रहा था मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस विस्की में जो डिस्टिलेट यूज़ हुआ है राय डिस्टिलेट दैट हैज़ बीन मैच्योर्ड फॉर 1 year इन ओक बैरल्स एंड दिस डिस्टिलरी इज़ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरी इन यूरोप. तो चलिए दैट्स अबाउट द कंपनी, दैट्स अबाउट द विस्की. लेट्स गो अहेड एंड रिव्यू इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर. चलिए अगर मैं विस्की के कलर की बात करूं तो एक गोल्डन कलर है इसका. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग. वाओ, आई कैन गेट हिंट्स ऑफ ऑर्चर्ड फ्रूट्स, एप्पल्स, प्लस आई कैन गेट दोज हिंट्स ऑफ ब्लैक फ्रूट्स लाइक प्लम्स, रेजिन्स ऑफ कोर्स, बटरस्कॉच, हनी. Wow, a very good nose indeed. Chale, let's go ahead and taste it. A bit of maltiness, yes. Sweet palate hai iska. There is a bite of alcohol in it, of course. But taste wise, main bolunga कि एक मीडियम बॉडीड विस्की है एंड इट हैज़ हिंट्स ऑफ दोज ब्लैक फ्रूट्स दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, प्लम्स, एप्पल्स, हिंट ऑफ वेनिला इन इट, येस, बटरस्कॉच, येस, कैरमल थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत हनी आ रहा है, रेजिन्स आ रहा है मुझे इसमें. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट.
Yes, I can definitely feel the burn of alcohol in it. Not that smooth, I would say. But because it has been matured in oak barrels for only about an year, so I think there is this pungency and this sharpness in the taste. But yes, overall taste-wise, मैं बोलूँगा कि हाँ भाई एक अच्छी whisky है. In taste, not that bad. If we ignore the punch of alcohol in it, overall the taste is good. Let's add some water into it and let's see कि क्या असर होता है after a dash of water. But मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक finish जो है वो medium है, मुझे अभी तक आ रही है, तो that means the finish is good. The mouth feel is good. Chale, let's get on to the tasting after adding a dash of water. Let's go. Aromas khul gaye hain kafi sare. I can get aromas of fruits in it. I can get those orchard fruits coming very well. Vanilla is coming out very well now. Raisins ka abhi bhi hai, but caramel and butterscotch thoda sa subside ho gaya hai. Chale, let's get on to the taste. टेस्ट वाइज जो है मैं बोलूँगा एक पंच ऑफ कोर्स डेफिनेटली ख़त्म हो गया है अल्कोहल का. स्वीट टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, फ्रूटीनेस वनीला इसमें आ रहा है बहुत अच्छा. नाउ अ बिट ऑफ ओकीनेस है स्टार्टेड डेवलपिंग इन इट आफ्टर एडिंग अ डैश ऑफ वाटर इन इट. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. Really a good taste after adding a dash of water. मैं बोलूँगा a very good whiskey to be drunk on the rocks. थोड़ा सा पानी मिला के पीजिए, सोडा मिला के पीजिए. It is a very good whiskey indeed. Must try. Very much recommended from my end. But yes, do drink responsibly and do not drink and drive. And अगर मैं इस whiskey के aficionados report card की बात करूँ तो on the price point I would give it a 9. And on the taste I would definitely give it 8.5. तो इस विस्की का एफिशिनाडोज नंबर होता है 8.75. मेरे ओपिनियन में इट्स अ गुड विस्की, मस्ट ट्राई. नाम देख के थोड़ा सा जो है हेजिटेशन आ जाती है, आई एम श्योर अबाउट इट, बट ओवरऑल इट्स अ गुड विस्की. थोड़ा सा देर इज़ अ पंच ऑफ एल्कोहल, अ बाइट ऑफ एल्कोहल इन इट, बट ओवरऑल स्टिल कमिंग फ्रॉम Czech Republic, coming from the oldest distillery in Europe, I would say ki ye unka basic version hai aur I think this is a good whiskey indeed. So definitely recommended. Do try it and let me know in the comments below ki aapko kaisi lagi. And till next time, stay tuned and always stay classy and cheers.